मॉर्निंग मैं घनश्याम भूरिया गुरुग्राम डिग्री कॉलेज चक 5 PL श्री विद्यानगर के इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। आज हम BA फर्स्ट ईयर हिस्ट्री सेकंड आधुनिक विश्व का इतिहास जिसमें कि 1453 से लेकर 1956 तक की घटनाओं की जानकारी दी गई है, इसके अंतर्गत आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वह है अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम। अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम आज का हमारा टॉपिक रहेगा। इससे पिछले वीडियो में हमने पुनर्जागरण का अर्थ, इसकी विशेषताएं, कारण, परिणाम तथा यूरोप में पुनर्जागरण के परिणाम स्वरूप साहित्य, कला और विज्ञान की उन्नति के बारे में जानकारी प्राप्त की। इसके पश्चात धर्म सुधार आंदोलन, इसके उद्देश्य और कारण परिणाम के बारे में जानकारी प्राप्त की तथा इसके पश्चात प्रतिवादात्मक धर्म सुधार आंदोलन, उसके कारण और परिणाम की जानकारी प्राप्त की थी। इसी श्रृंखला में हमारा जो अगला टॉपिक है वह अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम है। अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम, इसके अंतर्गत जो अमेरिकन वासी थे इन्होंने इंग्लैंड की सत्ता के विरुद्ध विद्रोह का झंडा खड़ा कर दिया था। इंग्लैंड का राजा इस समय जॉर्ज तृतीय था, जो कि निरंकुश था, स्वेच्छाचारी था। अतः अमेरिकन वासियों ने इसके विरुद्ध विद्रोह का झंडा खड़ा किया। इस विद्रोह का जो नेतृत्व है अर्थात अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का जो नेतृत्व है वह जॉर्ज वाशिंगटन ने किया था। जॉर्ज वाशिंगटन के नेतृत्व में ही जो अमेरिकन वासी थे इस स्वतंत्रता संग्राम में सफल रहे थे तथा इंग्लैंड की संसदीय सरकार का पतन हो गया था। तो यह विद्रोह इतना महत्वपूर्ण था, इसे इतिहास में अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के नाम से जाना गया था। आइए अब हम देखते हैं अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम की पृष्ठभूमि किस प्रकार बनी, इसके मुख्य कारण क्या रहे थे। जैसा कि 1492 ईस्वी में कोलंबस ने अमेरिका की खोज की थी, धीरे धीरे वहां पर यूरोप विशेषतः इंग्लैंड के लोगों ने वहां के मूल निवासियों को खदेड़कर वहां के मूल निवासियों को जंगलों में खदेड़कर अपने अपने देश की प्रभुसत्ता के अंतर्गत उपनिवेश स्थापित कर लिए थे। इसके अलावा यूरोप के धार्मिक अत्याचारों से पीड़ित प्यूरिटन धर्म के लोग भी भागकर अमेरिका जा पहुंचे थे। अमेरिका के उत्तरी भागों में इंग्लैंड वालों के 13 उपनिवेश स्थापित हुए थे। अमेरिका के उत्तरी भागों में इंग्लैंड के 13 उपनिवेश स्थापित हुए थे। उपनिवेश अर्थात कोई ऐसा देश जिस पर विदेशी शासकों ने अपना नियंत्रण स्थापित कर रखा हो उपनिवेश कहलाता है। सबसे पहले इन्हीं उपनिवेशों ने विद्रोह का झंडा खड़ा किया था। यह विद्रोह इतना महत्वपूर्ण था कि इसे अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम कहा गया था। जो इंग्लैंड के वासी थे जो कि जॉर्ज तृतीय के अत्याचारों से काफ़ी नाराज थे और इनमें असंतोष फैला हुआ था, अतः अपने राजा जॉर्ज तृतीय के अत्याचारों से बचने के लिए ये जो निवासी थे अमेरिका जाकर बसने को बाध्य होते थे और अपनी अपनी
राजा ने अपने उपनिवेश स्थापित कर लिए थे। तो आइए हम देखते हैं अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के प्रमुख कारण कौन से रहे थे। सबसे पहले है पारस्परिक सद्भावना का अभाव। पारस्परिक सद्भावना का अभाव पारस्परिक सद्भावना का अभाव इंग्लैंड छोड़कर जो लोग अमेरिका जाकर बस गए थे और जिन्होंने वहां पर उपनिवेश स्थापित कर लिए थे, इन लोगों में इंग्लैंड के प्रति कोई भी सद्भावना नहीं थी, क्योंकि इंग्लैंड का जो राजा था जॉर्ज तृतीय काफी निरंकुश और स्वेच्छाचारी था, जो कि अपने प्रजा के हितों की ओर ध्यान नहीं देता था तथा उन पर काफी अत्याचार करता था। यही कारण है कि यहाँ के लोग जो है इंग्लैंड छोड़कर अमेरिका में बसने को बाध्य हुए थे। ये लोग इंग्लैंड के स्टुअर्ट राजाओं के धार्मिक अत्याचारों से तंग आकर ही अमेरिका में बसने को बाध्य हुए थे। इसके अलावा इंग्लैंड की सरकार ऐसे लोगों को भी अमेरिका भेज देती थी जिन्हें देश निष्कासन का दंड मिला होता था। अतः ऐसे लोगों में इंग्लैंड की सरकार के प्रति सद्भावना का अभाव रहा था। अतः इन देशों में से किसी की भी इंग्लैंड के प्रति कोई सद्भावना नहीं थी। ऐसी स्थिति में जब अन्य कारणों से उपनिवेशों ने विद्रोह का झंडा खड़ा किया तो वहां के अधिकांश निवासियों की जो सहानुभूति है वह इंग्लैंड के राजा के साथ न होकर अमेरिकन वासियों के साथ ही रही है। तो यही कारण है कि इंग्लैंड वासियों की जो सहानुभूति थी वह इंग्लैंड के प्रति नहीं बल्कि अमेरिकन वासियों के प्रति रही थी, क्योंकि इंग्लैंड की जो सरकार है वहाँ के निवासियों के लिए कोई भी सुधारात्मक कार्य करना नहीं चाहती थी। प्रजा पर अनेक प्रकार से कर बढ़ा रखे थे जिनसे तंग आकर ही जो जनता है अमेरिका में जाकर बसने को बाध्य हुई थी। नंबर दूसरा है उपनिवेशवासियों में स्वतंत्रता की भावना। उपनिवेशवासियों में स्वतंत्रता की भावना उपनिवेशवासियों में स्वतंत्रता की भावना दो नंबर है उपनिवेशवासियों में स्वतंत्रता की भावना। तो अमेरिकन उपनिवेश के जो निवासी थे इंग्लैंड के लोगों से अधिक उत्साही थे, स्वतंत्रता प्रेमी थे। इन उपनिवेशों के 90% जो निवासी हैं वह अंग्रेजी थे, जो कि इंग्लैंड के निवासियों की अपेक्षा जनतंत्र शासन प्रणाली के कट्टर समर्थक थे। ब्रिटिश सरकार अमेरिकन उपनिवेशों पर अपना नियंत्रण स्थापित करना चाहती थी, जबकि उपनिवेशवासी किसी भी कीमत पर अपनी स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए कटिबद्ध थे तथा वह अपने प्राणों का बलिदान देकर भी अब इंग्लैंड की सरकार से छुटकारा पाना चाहते थे। उपनिवेशों के अधिकांश जो निवासी हैं व्यापारी थे और शिल्पकार थे, जिनमें की स्वतंत्रता की भावना कूट कूट कर भरी हुई थी। नेक्स्ट है दृष्टिकोणों की भिन्नता। नंबर 3 है दृष्टिकोण
तो प्रवेश वासियों व इंग्लैंड वासियों के दृष्टिकोण में भी पर्याप्त मात्रा में अंतर रहा था। इंग्लैंड में इस समय कुलीनों का शासन था, मताधिकार भी बहुत कम लोगों को प्राप्त था। वहाँ की राजनीति में गरीबों के लिए कोई स्थान नहीं था, जबकि उपनिवेशवासी जो थे जनतंत्र के कट्टर समर्थक रहे थे। उनकी राजनीति में धनी और गरीब सब समान थे। वहाँ बड़े से बड़े पद पर भी प्रतियोगिता प्रणाली के द्वारा भर्ती की जाती थी, अतः दोनों पक्षों के दृष्टिकोणों में पर्याप्त अंतर था। इंग्लैंड में राजतंत्र था, जबकि उपनिवेशवासी जो थे जनतंत्र के कट्टर समर्थक थे। इंग्लैंड में प्रजा के साथ भेदभाव किया जाता था, जबकि उपनिवेशवासियों के अंतर्गत गरीब और अमीर सब एक समान थे। वहाँ की राजनीति में बड़े से बड़े पद पर भी प्रतियोगिता प्रणाली के द्वारा भर्ती की जाती थी, जबकि इंग्लैंड में रिश्वतखोरी का बोलबाला था तथा रिश्वत देकर पद को प्राप्त किया जा सकता था। इस प्रकार दोनों के दृष्टिकोण में पर्याप्त मात्रा में अंतर रहा था, जिसके कारण दोनों पक्षों के बीच तनाव बढ़ गया था। नेक्स्ट है दोषपूर्ण शासन व्यवस्था। दोषपूर्ण शासन व्यवस्था, तो उपनिवेशवासियों की शासन व्यवस्था में काफ़ी कमियां थीं, जिसके कारण वहां के निवासियों में ऐसा दोष पैदा हुआ था। अमेरिका में इंग्लैंड के अधीन 13 उपनिवेश स्थापित किए गए थे। अमेरिका में इंग्लैंड के अधीन 13 उपनिवेश स्थापित किए गए थे, जिन पर कोई केंद्रीय सरकार नहीं थी। उपनिवेशों के जो गवर्नर हैं इंग्लैंड की सरकार की ओर से ही नियुक्त किए जाते थे। उपनिवेशों के जो गवर्नर इंग्लैंड की सरकार की ओर से ही नियुक्त किए जाते थे और उसी के प्रति उत्तरदायी थे, लेकिन उपनिवेशों के जो लोग थे इस व्यवस्था से संतुष्ट नहीं थे। उपनिवेशवासियों के अनुसार इन गवर्नरों को अपनी व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होना चाहिए। इन बातों के अलावा कानून निर्माण को लेकर और करों को लगाने के संबंध में भी जो उपनिवेशवासियों में काफ़ी आक्रोश फैला हुआ था। यही असंतोष जो है इस संघर्ष के छिड़ने का एक मुख्य कारण भी बना था। नेक्स्ट है जातीय समानता। नेक्स्ट है जातीय समानता, तो उपनिवेशवासी भी अंग्रेज जाति के ही थे, क्योंकि इंग्लैंड के लोग अपने राजा के अत्याचारों से भागकर ही अमेरिका में बसने को बाध्य हुए थे। अतः उपनिवेशवासियों में 90% जो लोग थे अंग्रेज जाति के ही थे। स्वतंत्रता की भावना इन्हें विरासत में मिली थी। कोई भी अंग्रेज किसी का दास होना पसंद नहीं करता था, अतः स्वतंत्रता प्रेमी उपनिवेशवासी अपनी ही जाति के लोगों की गुलामी सहन करने को बिल्कुल भी तैयार नहीं थे। अतः वे हर प्रकार का बलिदान देकर अपनी स्वतंत्रता को बनाए रखना चाह रहे थे। यही कारण है कि उपनिवेशवासियों और इंग्लैंड के मध्य तनाव की स्थिति उत्पन्न हो गई थी। नेक्स्ट है सफल वर्षीय युद्ध, जो कि 1756 से लेकर 63 तक लड़ा गया था। यह युद्ध इंग्लैंड और फ्रांस के मध्य लड़ा गया। इंग्लैंड और फ्रांस के मध्य लड़ा गया। इस युद्ध में इंग्लैंड विजय का था तथा फ्रांस पराजित हो गया। इस युद्ध में इंग्लैंड विजय का तथा फ्रांस पराजित हो जाता है। तो 57 वर्षीय युद्ध से पूर्व जो है उपनिवेशवासी इंग्लैंड के साथ अपने आप को इसीलिए बांधे हुए थे, क्योंकि वे कनाडा में बसे हुए फ्रांसीसियों से अपनी रक्षा करने में
परंतु जब सतत वर्षीय युद्ध में इंग्लैंड ने फ्रांस को पराजित कर दिया तो अब प्रदेशवासियों में उत्साह की भावना बढ़ चुकी थी, क्योंकि अब उन्हें फ्रांस संकट से मुक्ति मिल गई थी तथा अब वे इंग्लैंड से सीधी टक्कर ले सकते थे। इसके अलावा शपथ वर्षीय युद्ध में उपनिवेशवासियों ने इंग्लैंड की ओर से फ्रांस के साथ लड़े थे। इस युद्ध के दौरान उपनिवेशवासियों ने अपनी सैन्य शक्ति को पहचान लिया तथा उन्हें अनेक प्रकार से सैनिक अनुभव प्राप्त हुए थे। अतः अब वे इंग्लैंड की सरकार को भी चुनौती देना चाहते थे। तो शपथ वर्षीय युद्ध का उपनिवेशवासियों पर अच्छा प्रभाव पड़ा। इस युद्ध के परिणाम स्वरूप ही उपनिवेशवासी फ्रांसीसी संकट से मुक्त हुए। उन्हें इस युद्ध में सैनिक अनुभव प्राप्त हुआ, जिसका लाभ वे इंग्लैंड के प्रति विद्रोह का झंडा खड़ा करके उठाना चाहते थे। नेक्स्ट है फ्रांस की नीति। तो जैसे कि शपथ वर्षीय युद्ध में इंग्लैंड ने फ्रांस को पराजित कर दिया था और कनाडा पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया था, परंतु फ्रांस इस अपमान को भूला नहीं था। फ्रांस अपने अपमान का बदला लेना चाहता था इंग्लैंड से। अतः फ्रांस ने प्रवेशवासियों को भड़काना शुरू कर दिया और कहा कि वे इंग्लैंड की सरकार के प्रति विद्रोह का झंडा खड़ा करें। फ्रांस उन्हें हर प्रकार से सैनिक और आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाएगा। अब प्रवेशवासियों में उत्साह की भावना काफी बढ़ गई, अतः फ्रांस का सहयोग पाकर वे अब इंग्लैंड से सीधी टक्कर ले सकते थे। यही कारण है कि उपनिवेशवासियों में उत्साह की भावना का संचार हुआ और वे इंग्लैंड के साथ अपने अपमान का बदला लेने के लिए फ्रांस के सहयोग से उन्हें पराजित कर देना चाहते थे। तो इस प्रकार अमरीकी स्वतंत्रता संग्राम की जो पृष्ठभूमि है तैयार होती चली गई। नेक्स्ट है चार चिंते की अदूरदर्शिता एवं हट। इस समय इंग्लैंड का जो राजा है जार तृतीय था, जो कि एक अदूरदर्शी सम्राट था, हटी था, संकीर्ण विचारों का था। वह प्रतीतियों के अनुरूप आचरण नहीं करता था। वह प्रदेशवासियों को तुच्छ मानता था, हीन मानता था और उन्हें शक्ति के बल पर अपने अधीन बनाए रखना चाहता था। लेकिन उपनिवेशवासी जिनमें अब स्वतंत्रता की भावना घर कर चुकी थी, अतः वे हर प्रकार का बलिदान देकर अब स्वतंत्र होना चाहते थे। इसके अलावा जाचित्य ने अपने हठी स्वभाव के कारण ही बड़े पिट और बलक जैसे अनुभवी सेनापतियों की सलाह मानने से भी इनकार कर दिया। बड़े पिट और बलक ने इंग्लैंड के राजा जाचित्य को परिस्थितियों के अनुसार आचरण करने की सलाह दी थी और उपनिवेशवासियों में सुधारात्मक कार्य करने के लिए कहा था। लेकिन जाचित्य ने अपने हठी स्वभाव के कारण बड़े पिट और बलक जैसे अनुभवी सेनापतियों की बात मानने से मना कर दिया था, जिसके कारण उपनिवेशवासियों की जो समस्या है और अधिक जटिल बन चुकी थी। नेक्स्ट है रेलवे का स्टाम्प एक्ट, जो कि 1765 ईस्वी में पारित किया गया। रेलवे का स्टाम्प एक्ट जो कि 1765 ईस्वी में पारित किया गया था। तो अमेरिकन उपनिवेशवासियों से धन एकत्रित करने के लिए ब्रिटिश प्रधानमंत्री ग्रैनविल ने 1765 में स्टाम्प एक्ट पारित करवाया था, जिसके अनुसार न्यायालयों में सरकारी दस्तावेजों के क्रय विक्रय पर सरकार के द्वारा
आधारित शुल्क के टिकटों का लगाना उसने अनिवार्य कर दिया था। लेकिन इस एक्ट से उमेशवासी काफी क्रोधित हुए और कहने लगे, जब उनकी ओर से अंग्रेजी पार्लियामेंट में कोई स्थान ही नहीं है, जब उनकी ओर से अंग्रेजी पार्लियामेंट में कोई स्थान या प्रतिनिधित्व ही नहीं है, तो अंग्रेजी सरकार का उन पर टैक्स लगाना अनुचित है। प्रतिनिधित्व नहीं तो कर भी नहीं, यह नारा इस समय उमेशवासियों ने बुलंद कर दिया। अब प्रवेशवासियों ने अंग्रेजी सरकार के माल का बहिष्कार करना शुरू कर दिया और इसके कारण दोनों पक्षों में संघर्ष की जो संभावना है काफ़ी बढ़ गई। इस प्रकार ग्रैंड विल के द्वारा 1765 में स्टाम्प एक्ट पारित करवाया गया, जिसका विरोध प्रवेशवासियों ने किया और कहा, जब उनकी ओर से अंग्रेजी पार्लियामेंट में कोई प्रतिनिधित्व ही नहीं है तो कर किस बात का, प्रतिनिधित्व नहीं तो कर भी नहीं। तो इस बात को लेकर दोनों पक्षों में तनाव काफ़ी बढ़ गया, इसके कारण जो विद्रोह की संभावना बढ़ने लगी। नेक्स्ट है बोस्टन टी पार्टी। बोस्टन टी पार्टी, तो ग्रैनविल के पश्चात लॉर्ड नॉर्थ प्रधानमंत्री बना। प्रधानमंत्री बनते ही उसने उपनिवेशवासियों को संतुष्ट करने का काफ़ी प्रयास भी किया। उसने चाय के अलावा अन्य सभी वस्तुओं पर से कर हटा दिए थे। उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत से सीधा अमेरिका चाय बेचने का अधिकार दे दिया और इस पर भी नाम मात्र का कर लगाया। इस कर के लगाने का उद्देश्य यही था कि इंग्लैंड की सरकार को उपनिवेशों पर कर लगाने का अधिकार है। 26 दिसंबर 1773 की रात 50-60 व्यक्तियों ने जो है उपनिवेश आदिवासियों का वेश धारण किया। 26 दिसंबर 1773 को रात 50-60 व्यक्तियों ने आदिवासियों का वेश धारण किया उपनिवेशवासियों ने और बोस्टन बंदरगाह से चाय लेकर आए जहाजों पर इन्होंने धावा बोल दिया और 340 जो बेटियां हैं उपनिवेशवासियों ने समुद्र में गिरा दी, जिससे कि दोनों पक्षों के बीच तनाव काफ़ी बढ़ा। यह घटना इतिहास में बोस्टन टी पार्टी के नाम से जानी जाती है। तो इस बोस्टन टी पार्टी की घटना से इंग्लैंड की सरकार और उपनिवेशवासियों में शत्रुता काफ़ी बढ़ गई थी। नेक्स्ट है दमनकारी कानून। तो बोस्टन टी पार्टी की घटना से ब्रिटिश सरकार की जो क्रोध अग्नि है काफ़ी भड़क उठी और उसने उपनिवेशवासियों को दंडित करने का निश्चय कर लिया। इंग्लैंड की सरकार ने उपनिवेशों के लिए दमनकारी कानून पारित करवाए। बोस्टन पोर्ट एक्ट के द्वारा बोस्टन बंदरगाह बंद कर दिया गया, जिसके कारण हजारों व्यक्ति बेरोजगार हुए और इसके परिणाम स्वरूप उपनिवेशवासियों में आक्रोश की भावना भी काफ़ी बढ़ी। नेक्स्ट है होली ब्रांच प्रार्थना पत्र अस्वीकार किया जाना। तो ब्रिटिश सरकार के दमनकारी कानूनों से उपनिवेशवासी बिल्कुल भी नहीं घबराए और उन्होंने अपने अधिकारों की रक्षा करने के लिए उपनिवेशों के प्रतिनिधियों ने 5 सितंबर 1774 को फिलाडेल्फिया नामक स्थान पर एक सभा का आयोजन किया। इस सभा में यह निश्चित किया गया कि अंग्रेजी सरकार को उपनिवेशवासियों पर कर लगाने का कोई अधिकार नहीं है। इसके अलावा इंग्लैंड की सरकार के द्वारा पास किए गए कानूनों को भी रद्द करने की मांग की गई और इन दमनकारी कानूनों की कड़ी आलोचना की गई। युद्ध आरंभ करने से पूर्व उपनिवेशवासियों ने ओली ब्रांच प्रार्थना पत्र,
जो है अंग्रेजी सरकार को भिजवाया, जिस पर उन्होंने 1765 के बाद पारित किए गए जो दमनकारी कानून है, एक्ट है, उन्हें रद्द करने के लिए कहा गया। परंतु ब्रिटिश सरकार ने उपनिवेशवासियों की मांग पर कोई ध्यान नहीं दिया और उपनिवेशवासियों के प्रार्थना पत्र को भी अस्वीकार कर दिया गया। परिणाम स्वरूप 1775 में अमेरिका व इंग्लैंड के मध्य संघर्ष प्रारंभ हुआ। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम जो कि 1775 ईस्वी में लड़ा गया था, उपनिवेशवासियों का जो नेतृत्व है जॉर्ज वाशिंगटन ने किया था। जॉर्ज वाशिंगटन के नेतृत्व में ही उपनिवेशवासियों ने इंग्लैंड के प्रति विद्रोह का झंडा खड़ा किया था और इस संघर्ष में उपनिवेशवासी विजय रहे और इंग्लैंड पराजित हो जाता है, क्योंकि इस युद्ध का जो नेतृत्व है वह जॉर्ज वाशिंगटन के द्वारा किया जाता है, जो कि एक योग्य नेता था और उन्होंने उपनिवेशवासियों में जन जागृति लाने का कार्य किया और अच्छा नेतृत्व प्रदान कर इस युद्ध में उपनिवेशवासियों को सफलता भी दिलवाई। तो कह सकते हैं कि इंग्लैंड और अमेरिकन उपनिवेशों की जो मतभेद की जड़ें थी काफी नीचे तक पहुंच चुकी थी और इनमें संघर्ष होना अनिवार्य था। इस प्रकार जॉर्ज वाशिंगटन के नेतृत्व में ही अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का सूत्रपात हुआ। इस युद्ध में उपनिवेशवासी विजयी रहे, इंग्लैंड पराजित हो गया, राजतंत्र समाप्त कर दिया गया तथा अमेरिका में लोकतंत्र की स्थापना कर दी गई। 4 जुलाई 1776 को 13 उपनिवेशों ने अपनी स्वतंत्रता की घोषणा कर दी। आज भी 4 जुलाई को ही अमेरिका में स्वतंत्रता संग्राम अर्थात स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। तो इस प्रकार 4 जुलाई 1776 को इंग्लैंड के अधीन 13 उपनिवेशों ने जो कि अमेरिकन वासी थे, इन्होंने अपनी स्वतंत्रता की घोषणा कर दी थी और उपनिवेशवासी इस संघर्ष में विजयी रहे और इंग्लैंड पराजित हो गए। तो इस प्रकार आज का जो टॉपिक है यही समाप्त होता है। कल हम फिर से हाजिर होंगे अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के परिणाम और इस युद्ध में इंग्लैंड की पराजय के क्या कारण थे, इसकी जानकारी कल के वीडियो में प्राप्त करेंगे। तब तक आप घर